हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जेजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स। मैं हूं जितेश। तो भाई आज वाली वीडियो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए भी, हमारे भाई यूट्यूब फैमिली के लिए भी। तो इंस्टाग्राम पे भाई मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि भाई न्यू सरप्राइज कमिंग सून। तो भाई आज वाली वीडियो के अंदर जो सरप्राइज है वो आज हम रिवील करने वाले हैं। तो आप लोगों ने भाई कैप्शन पढ़ के कुछ कुछ तो आइडिया लगा ही लिया होगा भाई आज क्या है कैप्शन। भाई आप लोगों को बताइए, फाइनली टेकिंग डिलीवरी ऑफ अ न्यू ऑफ रोड व्हीकल। तो कुछ लोग तो भाई समझ गए होंगे आज की गाड़ी कौन सी रहने वाली है, हम डिलीवरी में कौन सी गाड़ी के जाने वाले हैं। तो एक चीज भाई पहले क्लियर कर देता हूँ, पर्सनल यूज के लिए मैं नहीं ले रहा, मेरे रियल दीदी जो है भाई वो ले रहे हैं गाड़ी। तो एक तरीके से मान के चलो भाई रियल है तो फैमिली मेंबर है, चाहे वो ले या मैं ले, तो एक तरीके से भाई हमारे फैमिली में ही आ रही है। और अब भाई इनडायरेक्टली कह सकते हो कि गाड़ी भाई पर्सनली मैं ही परचेस कर रहा हूँ। तो भाई जो गाड़ी है ना वो मैं कह सकता हूँ यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए तो मतलब सपना है। और हर एक बंदा सोचता है यार मेरे पास ये गाड़ी हो, और उसका क्रेज ना भाई इस टाइम तो नेक्स्ट लेवल का क्रेज हो रखा है, मतलब बिल्कुल बढ़िया हो रखा है। तो फिलहाल अभी भाई हम रास्ते में ही है, गाड़ी की डिलीवरी लेने हम जा रहे हैं। नाम अभी हम रिवील नहीं करेंगे, वीडियो पूरी देखो आप और आप लोग गेस करोगे भाई कौन सी गाड़ी हो सकती है। तो इतना कॉमेंट करके मुझे फटाफट बताओ कौन सी गाड़ी हो सकती है। तो फटाफट एक बार हम इतने शोरूम पहुंचते हैं, फिर करते हैं अपनी बाकी की बातें। तो भाई हम अपने शोरूम पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों को दिखा देता हूं भाई कौन सी ब्रांड की हम गाड़ी ले रहे हैं। देखो अभी हम ब्रेजा में आए थे तो अभी दीजीजू भी आ रहे हैं, तो भाई अपनी इस वाले ब्रांड की हम गाड़ी लेने वाले हैं। और गेस करो, हो सकता है भाई ये वाली गाड़ी हो सकता है ये गाड़ी हो सकता है हमारी यही गाड़ी रेडी हो रही हो, कोई सी भी गाड़ी हो सकती है। आप अभी भी गेस करो, गेस करना मत छोड़ो और देखते हैं भाई कौन सी होगी कौन सी नहीं। तो बेटा एक बार शोरूम के अंदर भी चल लेते हैं और अंदर जाके भी जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज रह गई वो पूरी करवा लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा दिखाता हूँ आप लोगों को अपनी डिलीवरी गाड़ी। सो गाइस जीजू भी आ चुके हैं, फॉर्मेलिटी सारी हो चुकी है। तो जीजू एक बात बताओ, इस गाड़ी को लेने के लिए हमने कितना वेट करा है? 10 महीने। 10 महीने, और आज फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई देख लो हमारी गाड़ी ये रही और बिल्कुल प्रिपेयर हो रही है रिवील करने के लिए। तो फटाफट लेते हैं डिलीवरी। और जीजू सबसे पहले कहाँ जाएंगे इसे लेके? केदारनाथ। बिल्कुल आदि भाई, ये हमारा भांजा छोटा सा आदि, मजा वाला है। तो भाई अभी देख लो, तो भाई गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी भी आप लोग गेस कर सकते हो भाई कौन सी है। तो बस अभी से करते हैं फटाफट रिवील, तो थोड़े सा आप इसके एंजॉय करो कुछ सिनेमैटिक शॉट। सो गाइस प्रेजेंटिंग यू आर न्यू कार, और भाई अब रिवील कर रहे हैं 3, 2, 1। तो भाई प्रेजेंटिंग यू ऑल न्यू महिंद्रा थार। जी जो कौन सा मॉडल है थोड़ा सा बताओ लोगों को। 2021 मॉडल है ये, और पेट्रोल डीजल 4x4 मैनुअल है। मैनुअल, तो भाई हमने पेट्रोल वेरिएंट लिया है, हार्ड टॉप हमने एलेक्स जो टॉप मॉडल आता है वो लिया। तो एक बार भाई इसकी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं हम जो रहती है, बाकी आप लोग थोड़े से इसके शॉट्स एंजॉय करो। आप लोगों ने अपनी थार की डिलीवरी ले तो भाई ब्लॉग देख लिया होगा। तो ये वाली जो भाई वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, तो हमने जो भाई गाड़ी की डिलीवरी ली है उसकी डेट है अपनी 31 जुलाई 2021 को हमने गाड़ी की डिलीवरी ली है। एक बार मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स बताऊं वापसी की, क्या क्या हमने मॉडल लिया था। तो हमने भाई जो पेट्रोल में टॉप वेरिएंट आता है एलेक्स हार्ड टॉप, हमने वो वेरिएंट लिया था अपना 4 सीटर। इंजन की बात करें तो भाई अपना लगभग 2000 सीसी का इंजन होता है, और अगर एवरेज की बात करें तो कंपनी भाई 15.2 के आसपास की एवरेज क्लेम कर रही है, और जहां तक की मुझे उम्मीद है भाई 8-9 से ऊपर की एवरेज नहीं देगी। तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में जरूर लेके आऊंगा, इसके पूरा रिव्यू साथ में एवरेज वगैरह क्या दे रही है। बाकी भाई अगर आप चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड गाड़ी में भाई बहुत सारी मॉडिफिकेशन आने वाली है। क्योंकि भाई जब भी हम अपनी गाड़ी लेते हैं तो हम उसे स्टॉक नहीं चलाते हैं, हम उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर चेंजेस कराते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आप लोगों को एक आइडिया बताऊं, लिस्ट बताऊं, तो भाई सबसे पहला काम जो मैं इसके अंदर कराने वाला हूं भाई वो कराने वाला पीपीएफ, दैट इज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। क्योंकि भाई गाड़ी का कलर ब्लैक है तो मेंटेनेंस की बहुत 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 जरूरत है। अगर गाड़ी भाई स्टार्टिंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो ब्लैक कलर भाई बहुत गंदा लगता है अगर साफ सुथरा ना हो। तो सबसे पहला भाई हम पीपीएफ काम कराने वाले हैं, उसके बाद इसका पूरा इंटीरियर कस्टमाइज होगा, लाइट कस्टमाइज होगी, रिफ्लेक्टर, ग्रिल, बहुत सारे मॉड्स हमें गाड़ी के अंदर कराने वाले हैं, और भाई बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल अपनी थार बनाएंगे। तो अभी भाई मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत लेट आएगी क्योंकि और भी बहुत सारे शूट्स पेंडिंग है और बहुत सारी चीजें लाइनअप है। तो आई डोंट नो ये वीडियो मैं कब अपलोड करने वाला हूँ,
बट भाई हाँ, जब भी आएगी उसके बाद बैक टू बैक आप लोगों को थार की मॉडिफिकेशन दिखेगी। शायद हो सकता है भाई उस टाइम तक गाड़ी के अंदर बहुत सारे मैं मॉड्स ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। भाई वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को पता ही है क्या करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगेन बार बार बोल रहा हूँ भाई, गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे मॉड्स आएंगे, जो थार के अंदर मॉड्स हो सकते हैं सारे आएंगे। अगर आप लोगों को वो देखने हैं या आपके पास थार है या आप लोग भी प्लान कर रहे हो, आप लोगों को कुछ आइडिया चाहिए, तो भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट चैनल रहेगा और आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।